फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। सभी को रमज़ान मुबारक। टुडे आई एम शेयरिंग विद यू रमज़ान डाइट प्लान ताकि आप थ्रू आउट द रमज़ान फिट एक्टिव एंड हेल्दी रहें। डाइट प्लान में आपको सहरी टू इफ्तार बैलेंस मील दिए गए हैं। ये डाइट प्लान ईजी टू फॉलो है जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डिफिशेंसी नहीं होने देगा। ये डाइट प्लान आपकी बॉडी को कम्प्लीटली कम्फर्ट होगा जिससे आपको वीकनेस फील नहीं होगी। ये डाइट प्लान आपको एज ए चैलेंज लेना है। आप विदाउट एनी वीकनेस हेल्दी मील लेकर आपकी डाइट इंजॉय करेंगे। प्लान में फ्रेंड्स आपको हाइड्रेट रहना है सारी टाइम में। आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस। वन इज बेसन चीला जो रिच इन फाइबर है, प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स है जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। एवरी काइंड ऑफ फास्टिंग इज गुड जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। सीड्स भी इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में। बेसन चीला में फ्रेंड्स विलोट्स ऑफ वेजीज और पनीर ऐड करना है जो आपको फुल डे फुलर रखेगा, आपको हंग्री फील नहीं होगी। और होममेड चटनी या सॉस के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन है फ्रेंड्स पनीर भुर्जी विद मल्टीग्रेन रोटी। मल्टीग्रेन रोटी लेनी है आपको जो आपकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और अपने मील को इन्जॉय करना है। होममेड मील लेने हैं फ्रेंड्स सारे और आपको प्रोसेस फूड फ्राई फूड ये अवॉइड करने हैं। और लास्ट में आपको ब्लैक रेजन का पानी ले लेना है, रेजन खा लेना है, जाके आपको थ्रू आउट द डे थर्स्टी फील नहीं होगा। आपको फुल डे एक्टिव रहना है जिससे आपकी वेट लूज जर्नी भी में भी हेल्प होगी और आपकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। आपके अंदर न्यूट्रिशन डिफिशेंसी नहीं होगी। थोड़ा बहुत आपको वर्कआउट करना है, अपने डेली रूटीन फॉलो करना है, डेली जो वर्क होते हैं आपके वो सारे इंक्लूड करने हैं। लेजी फील बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इस डाइट प्लान में फ्रेंड्स बहुत सारे वेजिटेबल्स बहुत सारे में फ्रेंड्स आपको थ्रू आउट द डे एक्टिव रहना है। होममेड फूड लेना है, बहुत सारे वेजिटेबल्स बहुत सारे फ्रूट्स लेने हैं। और इफ्तारी टाइम में ब्रेक योर फास्ट विद डेट्स एंड वाटर टू रिकम्प्लीट ब्लड शुगर लेवल। डेट्स आर ऑल्सो प्रोवाइड नेचुरल शुगर। और फ्रूट्स लेने हैं बहुत सारे। माइंडफुल ईटिंग करनी है, बी माइंडफुल, पोर्शन कंट्रोल ईटिंग करनी है। फ्राई फूड और प्रोसेस फूड नहीं लेने हैं। फ्रूट्स इज ए गुड फॉर हेल्थ, इट्स प्रोवाइडिंग एसेंशियल विटामिन मिनरल एंड एंटीऑक्सीडेंट, सपोर्ट करेगा आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को, फाइबर ऐड करेगा, इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं। कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं आप प्लेन वाटर की जगह। और कीप इट हाइड्रेट रहना है फ्रेंड्स। आफ्टर इफ्तारी आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है ताकि आपको हाइड्रेट फील हो सके और आप डिहाइड्रेट ना हो। और इफ्तारी टाइम में भी फ्रेंड्स आपके लिए टू ऑप्शंस है। इफ्तारी टाइम में भी फ्रेंड्स आपके लिए टू ऑप्शंस है। वन है सांभर विद प्लेन राइस। आप बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ प्लेन राइस ले सकते हैं। टेक ए प्रॉपर मील लेना है, थोड़े से फ्रूट्स लेने हैं, पूरा प्रॉपर मील लेना है। कर्ड, ब्राउन राइस, एग भुर्जी, सारे प्रॉपर मील लेने हैं फ्रेंड जो आपकी हार्ट हेल्थ को, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव रखेंगे, आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। आपके लिए फास्टिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और रमज़ान मुबारक फ्रेंड्स आप सभी को दोबारा से। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। स्टे ट्यून विद मी एंड कीप हेल्दी ड्यूरिंग रमज़ान। बाय बाय।